नमस्कार सभी मित्रों, मैं हूं आरजे नवनीत 94.3 माय एफएम से। और आज के इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, सबसे पहले लाहौटिया सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि हम इस इवेंट को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर न केवल देश का सबसे बड़ा बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अखबार है। देश में दैनिक भास्कर सबसे ज्यादा पढ़ा और सराहा जाने वाला अखबार है। ये मतलब बोलकर बताने की चीज नहीं, क्योंकि हम लोग सभी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, जानते हैं। देश में 3500 और 23 देशों में 30 रिपोर्टर्स की टीम के साथ ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। 12 राज्यों में 61 संस्करण, यानी देश पर सबसे बड़ी मजबूत पकड़ जो है वो दैनिक भास्कर की है। इसीलिए दैनिक भास्कर जो है 6.6 करोड़ पाठकों की जिंदगी का अटूट हिस्सा है, और अपने पाठकों की रुचि को लेकर ही हर बार कुछ नए इनोवेशंस, नई चीजें लेकर जो है दैनिक भास्कर समूह आता रहा है और आता रहेगा। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कोविड के टाइम पर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। कोविड के टाइम पर हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग सभी मेंटली फिजिकली थोड़े से डिस्टर्ब थे। उस बीच में डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया सर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। एक बुक भी सर ने लिखी, जिसका नाम था टिल वी विन, इंडिया अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। मेरे ख्याल से इस किताब ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज सीखने का मौका दिया, समझने का मौका दिया। और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वैक्सीन क्षेत्र में भी सर ने बहुत सराहनीय काम किया है। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2007 में एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं। 2012 में इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में डॉक्टर बीसी श्रीवास्तव फाउंडेशन का अवार्ड भी हासिल किया है। इसकी जितनी तारीफ की जाएगा हमें, आई एम श्योर ये ऐसी बहुत सारी चीज है जो फहरिस्त में है, जिनकी लगातार बातचीत की जाएगी। लेकिन इस कार्यक्रम को और ऐसा ना कि बातचीत में निकाल दिया जाए, क्योंकि ये सेशन जो है इस समय में और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब हम देखते हैं कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर लोग ऐसा सोच बैठे हैं कि कोविड चला गया है, लेकिन कोविड अभी गया नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग कितने मेरे ख्याल से कहना चाहिए अनएजुकेटेड कह दूं मैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि बूस्टर डोज की जब बात करते हैं, सिर्फ 6% लोग हिंदुस्तान के ऐसे जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाया, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। कि हम लोग जानते हैं कि कोविड गया नहीं है, हमारे बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, और बूस्टर डोज जो कि इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशन को देखते हुए, कोविड फिर बढ़ रहा है, हम बूस्टर की तरफ नहीं बढ़ रहे। और इसी से सिलसिले में क्वेश्चंस भी आते जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि सर हम आगे बढ़े, हम चाहते हैं पहले आप हमारे सभी देखने और सुनने वालों को संबोधित करने तरफ से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड जरूर रहेगा। जितने भी लोग अपने कोई भी क्वेरीज सर से जानना चाहते हैं, वो चंद्रकांत सर से जरूर पूछें, और मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस मैं सर तक लेकर जा पाऊं और सर सभी क्वेश्चंस के मैक्सिमम आंसर कर पाएं। तो सर, अब ये क्षमा आपकी तरफ, मैं चाहता हूं आप अपने तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को, मेरा नमस्कार, भास्कर समूह को धन्यवाद। धन्यवाद नवनीत जी। बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का प्रेजिडेंट नहीं, मेंबर हूं, उसका सदस्य बना हूं। प्रेजिडेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है, खैर उसके बारे में बाद में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोविड-19 और पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड, अर्थात कोविड अगर किसी को हुआ है तो उसके बाद क्या समस्याएं आती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो मैं अपनी जो अगले
20 से 25 मिनट में जो चर्चा है उसमें बात करूंगा कि पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड क्या होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। साथ में हम बात करेंगे कि जो अब कोविड उस कगार पर है कि जो हमारे साथ भी रहेगा और कुछ हद तक जो मुख्य समस्या है वो खत्म होते जा रही है, तो ऐसे समय में व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे। फिर मैं यह भी चर्चा करूंगा कि कोविड 19 के वैक्सीन के बूस्टर की क्यों जरूरत है और क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में। और साथ में हमने कोविड के समय में जो चुनौतियां फेस की व्यक्तिगत रूप से सामाजिक तौर पर, उनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए जिससे हम आने वाले समय में स्वस्थ रह सकें। अगर मौका हुआ तो मंकी पॉक्स के बारे में भी कुछ संक्षेप में चर्चा होगी और अंत में क्वेश्चन आंसर जो श्रोताओं और दर्शकों के सवाल आ रहे हैं उनका भी जवाब दूंगा। मैं कोशिश यह भी करूंगा कि साथ में जब बात चल रही है तो उसी समय जो सवाल मेरे स्क्रीन पर आते जा रहे हैं उनके जवाब दूं। अब कोविड 19 को करीब 31 महीने हो चुके हैं, जनवरी 2020, दरअसल 31 दिसंबर, जनवरी 2021 या 31 दिसंबर 2020 को दुनिया में जब सबसे पहला केस आया था, उसके बाद अब अगस्त के महीने में जब 2022 में 31 महीनों में हम काफ़ी सारी चुनौतियां देख चुके हैं। साथ में कई लोगों को कोविड हो चुका था और हम लोग उससे रिकवर या ठीक हो चुके हैं, लेकिन एक जो चुनौती उभर कर आ रही है वह यह है कि जिन लोगों को कोविड हुआ उनमें से कुछ छोटा से अनुपात को, कुछ स्मॉल प्रपोर्शन को कोविड से के बाद जो उत्पन्न हुई समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो आमतौर पर माना जाता है कि कोविड होने के बाद व्यक्ति, अधिकतर लोगों को तो असिम्प्टोमेटिक होता है, ज़्यादातर बहुत कम लक्षण आते हैं या लक्षण ही नहीं आते हैं, जिनको कम आते हैं उनको माइल्ड सिम्प्टोमेटिक बोला जाता है, लेकिन कुछ छोटा सा प्रपोर्शन होता है जिनको गंभीर बीमारी हो सकती है, अस्पताल की भी जरूरत होती है, लेकिन अधिकतर लोग उससे भी ठीक हो जाते हैं। माना जाता है कि कोविड होने के बाद 3 से 4 सप्ताह में व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता है और पुरानी स्थिति में लौट के आ जाता है। लेकिन एक समस्या जो उभर कर आई है उसको पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम्स या लक्षण जो आए थे वो 4 सप्ताह के बाद भी बने रहते हैं तो उस परिस्थिति को पोस्ट कोविड कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति को ठीक हो जाना चाहिए था लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, 4 सप्ताह से अधिक हो गए, तो उस पर फिर खास ध्यान देने की जरूरत है। और माना जाता है कि 100 में से 10 व्यक्तियों का, करीब 10% लोगों को पोस्ट कोविड की परिस्थिति आती है। फिर अगर वो समस्या 3 महीने से ज्यादा रहती है तो उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। अब यह परिस्थिति पर काफी सारा स्टडी हुआ है पिछले 2 साल में और देखा गया है कि करीब 205 ऐसे लक्षण होते हैं जो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड के रूप में पहचाने गए हैं। मैं इनके बारे में विस्तार से भी चर्चा करूंगा और साथ में ये 205 जो लक्षणों को पहचाना गया है वो शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर स्टडी की गई है कि ऐसा क्यों होता है कि कोविड तो मुख्य रूप से सांस की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि चाहे गुर्दे हों, लिवर हो, दिल हो या दिमाग हो, शरीर के हर हिस्से को कोविड से प्रभावित हो सकता है और पोस्ट कोविड सिम्टम आ सकते हैं। तो इस पर अध्ययन से पता चला है कि चूंकि वायरस लंग्स के थ्रू शरीर में अंदर जाता है लेकिन उसके बाद शरीर के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है। अब इस बात का अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वो वायरस किसी व्यक्ति के शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करेगा। जिस व्यक्ति में अगर वो दिल को प्रभावित करेगा तो दिल से संबंधित लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिम्टम आ सकते हैं, किसी किडनी को प्रभावित कर सकता है, किसी के ब्रेन को प्रभावित कर सकता है, और इस बात का कोई भी जानने का तरीका नहीं कि किसको प्रभावित करेगा। तो बेहतर, सबसे बेहतर तरीका, अगर हम इस तरह की किसी भी दिक्कत से बचना चाहते हैं, कि हम अपना बचाव करें कोविड 19 के संक्रमण होने से, लेकिन अगर हो जाता है तो उसके बाद भी इसका इलाज है और ठीक हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करेगा, क्या इसके बारे में कुछ और अंडरस्टैंडिंग है, तो बात निकल कर आई है कि जब शुरुआत में जो वायरस आया था कोविड 19 की महामारी की शुरुआत में 2020 के स्टार्ट से लेकर 2021 में, तो 2020 में जब वायरस आया था तो उस समय जो मुख्य सिम्टम्स होते थे वो रेस्पिरेटरी, सांस से संबंधित होते थे या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते थे, जिसमें व्यक्ति के शरीर में जो ब्रेन फॉग बोलते हैं कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, भूल जाता था, भूलने की
सांस सोने से संबंधित है, नहीं सो पाना उसको एक मुख्य चुनौती आती थी। फिर उसको एक जो मुख्य सिम्टम शुरुआत में जो आया था न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में, वो यह था कि व्यक्ति को जो सूंघने की क्षमता है वो उसकी खत्म हो जाती थी, या स्वाद लेने की क्षमता है वो खत्म हो जाती थी। तो इस पर स्टडी की गई कि क्यों ऐसा होता है। तो चूंकि यह वायरस जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, उसके माध्यम से जाता है, नर्व जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं जिन तंत्रिकाओं को प्रभावित करेगा, अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो उसके बाद वो क्षमता कम हो जाती है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स काफी अधिक आते थे 2020 में, और ये मान के चलिए जो भारत में पहली वेव आई थी उसके आसपास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम थे, लोग कहते थे उनको सूंघ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जितने भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते थे समय के साथ और धीरे धीरे वो सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते थे, अर्थात जैसे कोई नर्व डैमेज हुई है तो उसको वो हीलिंग का भी होना लगता था और व्यक्ति ठीक हो जाते थे। तो 3 महीने फिर उसके बाद 6 महीने, समय के साथ वो अधिकतर चीज़ों में रिकवरी हो जाती थी। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम एक मुख्य थे। दूसरा जो मुख्य सिम्टम शुरुआत से ही आते थे वो थे सांस से संबंधित, या रेस्पिरेटरी, जिसमें लंग्स को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति को सांस फूलने लगती थी या खांसी जो होती थी लंबे समय तक बनी रहती, तो इस तरह के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आते थे। और वो दूसरी वेव में भी काफी हद तक आए जो अप्रैल मई 2021 में हुई। तो न्यूरोलॉजिकल और सांस से संबंधित रेस्पिरेटरी सिम्टम्स फर्स्ट वेव में मुख्य रूप से देखे गए थे, लेकिन सेकेंड वेव में कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स आए, अर्थात किसी को दिल के दौरा पड़ने लगा, किसी को ब्लड में क्लॉटिंग होने लगी और उससे संबंधित समस्याएं आई, तो यह भी काफी हद तक देखा गया। अन्य जो शरीर के हिस्से प्रभावित होते हैं उसमें जो सेकेंड वेव या डेल्टा वेव के चलते जो सिम्टम आए थे उसमें GI ट्रैक्ट, अर्थात पेट के या आंत्र संबंधी समस्याएं भी, दस्त लग सकते थे या भूख लगना बंद हो जाता था, वह सिम्टम्स भी आए। एक अन्य मुख्य सिम्टम या शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो किडनी, तो किडनी संबंधी समस्याएं भी आई। तो अगर मैं हम उन सारी चीजों को एक साथ देखें तो हम कह सकते हैं कि शरीर के लगभग सारे अंग इनसे प्रभावित हुए हैं, और चाहे वो दिल हो, दिमाग हो, किडनी हो, लिवर हो, आंत्र हो और रेस्पिरेटरी सिस्टम, साथ में अन्य लोगों को जोड़ों संबंधी समस्याएं आती थी और एक मुख्य चुनौती बन गया था। जो कोविड से व्यक्ति ठीक हो जाता था, लेकिन अगर उसके बाद ठीक होने के बाद भी ये समस्या लंबे समय तक रहती थी, तो इसमें एक मुख्य बात उभर कर आई और देखी गई कि कौन लोग हैं जिनको इस तरह की समस्या पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड होते हैं, और कौन है जिनको इसके होने की संभावना कम रहती है। तो जो देखा गया उसमें आया कि मुख्य रूप से जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी वीक होती है या जिनको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हेल्थ कंडीशन होती है उनको पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा, हम जानते हैं कि जिसको भी कोविड की गंभीर बीमारी होती है या हुई थी उसको पोस्ट या लॉन्ग कोविड लंबे समय तक सिम्टम रहते हैं। तीसरा, जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी हो या जो 60 साल से अधिक के हों उनको पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड के सिम्टम रहते हैं। लेकिन यह इसी समूह तक सीमित नहीं है, अगर जैसे हम इसको कोमॉर्बिडिटी कह सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट सिचुएशन भी है कि जो इनको भी मोटापा है, जिनको भी डायबिटीज या शुगर और या ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो इन लोगों को लॉन्ग कोविड पोस्ट कोविड होने की संभावना अधिक देखी गई है। इसका एक और तरीका है जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसको पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड होता है, और वह यह है कि जिन लोगों को बीमारी और कोविड इन्फेक्शन के पहले सप्ताह में 5 या करीब उससे अधिक सिम्टम्स आए, तो उन लोगों को भी लंबे समय तक या पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड होने की संभावना रहती है। अब चूंकि हमारे हमने 3 वेव भारत में देख चुके हैं, COVID-19 का वैक्सीनेशन हो चुका है, करीब 97% आबादी को COVID-19 का वैक्सीन लग चुका है, तो अब मैं इन सारी बातों को एक परिप्रेक्ष्य में रख के देखूंगा कि वैक्सीन लगने से क्या बदला है, COVID-19 एंड पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड के बारे में हमारी अब क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो पहली अंडरस्टैंडिंग जो हमने डेवलप की है कि पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड एक वास्तविक चुनौती है जो एक छोटे से समूह को होता है, लेकिन वो किसी को भी हो सकता है, इसलिए हमें उससे बचाव के तरीके अपनाने होंगे। दूसरी बात है कि जिन लोगों को अगर वैक्सीन लगती हैं तो वैक्सीन डायरेक्टली पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड से नहीं बचाती है, लेकिन चूंकि वैक्सीन लगाने के बाद गंभीर बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो
अब साइंटिफिक एविडेंस है कि वैक्सीन निश्चित रूप से हमें लगवानी चाहिए, फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, और जिनको भी बूस्टर या थर्ड शॉट ड्यू है उनको थर्ड शॉट लगवाने की जरूरत है, क्योंकि यह बीमारी, गंभीर बीमारी से बचाएगा, लेकिन उसके बाद पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड से भी बचाएगा। अब बात आती है कि जिन लोगों को पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड है, उनको क्या करने की जरूरत है। यह निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति को किस शरीर के किस अंग से संबंधित समस्या हुई है। तो मुख्य बात याद रखने की है कि अगर कोई भी समस्या पोस्ट कोविड संबंधित है, लंबे समय के लिए है, तो आप उसे घबराइए नहीं, ना उसका इंटरनेट पर समाधान ढूंढिए। इसका वास्तविक समाधान अब किसी चिकित्सक से सलाह लेने पर ही होगा, और शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है उस पर निर्भर करता है। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखने की है, वो यह है कि बाकी दुनिया के बाकी देशों में पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड की अधिक बड़ी समस्या देखी गई है। फॉर्चुनेटली भारत में उतनी अधिक कंडीशंस पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड के नहीं मिले। अब यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों है या भारत में क्यों नहीं मिले हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कम केसेज मिले हैं। पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड इतनी गंभीर समस्या नहीं है। हाँ, एक बात और उभर कर आई है कि काफी लोगों को जिनको कोविड हुआ था, सार्स कोवी टू का संक्रमण हुआ था, तो उनको जो बीमारी टेस्ट पॉजिटिव, कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव हुए वो, या उनको बीमारी हुई, तो उसके बाद उनको जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस थी, अर्थात उनको वो ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की या दिल की कोई बीमारी पहले से थी, तो कोविड के चलते वो बीमारी पहचान ली गई। अर्थात उनको कोविड 19 की वजह से नई बीमारी या दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उनकी जो पुरानी बीमारी थी वो पहचान ली गई। तो एक तरह से अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज की एक समस्या आई उसकी वजह से, लेकिन कुछ अच्छी बात हुई कि अब लोगों को पहले नहीं पता था कि उनको ब्लड प्रेशर है, या उनको पहले नहीं पता था कि उनको शुगर की बीमारी है, तो अब लोगों को वो बीमारी पता चल गई है। तो ऐसे में जरूरी है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी अब डिटेक्ट हुई है तो उसका नियमित रूप से इलाज कराना है। कोविड 19 की महामारी भले ही अपने आप में चुनौती थी, अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमें ज्ञात हो गया है कि स्वस्थ रहने का कितना महत्व तो है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य कोई भी बीमारी है, अगर प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी है, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है, तो उससे हमें बाकी बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। कारण साफ है कि अगर हमें पहले से कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है उस बीमारी से निपटने के लिए पहले से ही एक्टिव होता है या जूझ रहा होता है, तो उसके पास पहले से ही काम है, इम्यून सिस्टम के पास पहले से ही काम है कि इस बीमारी जो पहले से है उसको लड़े। इस बीच में अगर उसको कोई दूसरा संक्रमण हो जाता है, जैसे कोविड 19 या कोई नॉर्मल फ्लू भी, तो बेचारा हमारा इम्यून सिस्टम व्यस्त है, उससे लड़ रहा है, उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है और लड़ नहीं पाता है, अर्थात वो कमजोर हो जाता है कि दो बीमारियों से कैसे लड़े। तो इसलिए जरूरी है कि अब कोविड 19 के समय हम समझ गए हैं हमें कोई भी बीमारी है उसका नियमित और समय पर इलाज कराना है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आप उसका इलाज कराइए, और साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। इससे पहले नहीं कि पता चल गया तो अब शुरुआत में इलाज लिया और नहीं लिया, अब उसके बाद बंद कर दिया। उसी तरह ब्लड शुगर की बीमारी है, शुगर की वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, तो हमें उन बीमारियों का भी नियमित रूप से इलाज कराना है। बात करते हैं कि कोविड 19 वैक्सीनेशन का क्या स्थिति है। तो भारत में कई लोगों को, करीब 97% आबादी को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कोविड 19 के वैक्सीन के एटलीस्ट एक शॉट या एक खुराक लग चुकी है। करीब 90% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी हैं, और यही वजह है कि अब लोगों को गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कई शहरों में संक्रमण फिर से तेज हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है, लेकिन अब गंभीर बीमारी की खबरें नहीं आ रही हैं। तो यह इस बात का सबूत है कि वैक्सीन्स काम कर रही हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि समय के साथ वैक्सीन्स होती है, कोई भी चीज होती है, उसका असर कम होता चला जाता है। तो अगर आपने वैक्सीन्स के दो शॉट लगवाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद अगर कुछ और करीब 6 महीने हो गए हैं, उससे अधिक हो गया है, तो भारत में सभी वयस्क आयु वर्ग के लोग कोविड 19 का प्रीकॉशन शॉट या थर्ड शॉट के लिए भी पात्र हैं, और आप जाके लगवा सकते हैं। तो कोविड 19 बूस्टर शॉट का भी नहायत जरूरत है। जहां तक
कोविड-19 में कुछ सवाल देख रहा हूँ स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, जहां तक लोग कहते हैं कि उनको कोविड होने के बाद मुख्य रूप से जो सिम्टम आ रहे हैं कि लंबे समय से खांसी बनी हुई है, खांसी जा नहीं रही है, तो इसमें संभव है कि उस व्यक्ति को कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस हो या उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। तो अगर जिस भी शरीर से संबंधित दिक्कत है, आप नजदीक के अस्पताल पर जाकर या नजदीक के किसी भी चिकित्सक के पास जाकर उस अपनी बीमारी का जांच करवा सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई अंडरलाइंग इलनेस के बारे में बता रहे है जो जिसकी वजह से व्यक्ति को वो दिक्कत आ रही है, तो आप उस चीज को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए और जाके नजदीक से इलाज कराइए। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में व्यक्तिगत सलाह नहीं दी जाती है, यह बड़े तौर पर बताया जाता है कि जो भी शरीर का अंग है जो प्रभावित हो रहा है उससे संबंधित डॉक्टर के पास जाकर आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन एक आश्वस्त करने की बात यह है कि इस तरह के जो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड के जो भी सिम्टम्स होते हैं समय के साथ धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो आपको यह इस तरह से घबराना नहीं कि अब एक बार यह समस्या आ गई तो यह बनी रहेगी। व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता है और देखा गया है कि एक साल के अंत पर, अगर जब भी संक्रमण हुआ है उसके एक साल के बाद भले ही किसी को पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड हो, अगर डॉक्टर की सलाह ली जाती है और इलाज कराया व्यक्ति कराता है, तो मुश्किल से 100 में से एक या दो व्यक्ति को ही कोई समस्या रहती है, बाकी लोगों का पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब मैं बात करता हूं कि ऐसे में हमने कोविड-19 से की महामारी से क्या सीख ली है। तो कोविड-19 की महामारी से जो मुख्य सीख हैं कि स्वस्थ रहने का कोई विकल्प नहीं है, हमें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और जब भी जरूरत हो एक चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सलाह लेनी है। दूसरा जो मुख्य काम करना है कि हर व्यक्ति को, अब हम जानते हैं कि क्या चुनौतियां हैं, अपने हेल्थ का एक सेल्फ असेसमेंट करना है। अगर आप हाई रिस्क हैं तो आपको थोड़ा अधिक बचाव करना है, भीड़ भरी जगह पर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करिए, अगर आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं तो बूस्टर डोज लगवाइए। तो हर व्यक्ति का रिस्क प्रोफाइल अलग है। हम कह सकते हैं जो पिछले 2 सालों का अनुभव है उसके आधार पर कि अगर व्यक्ति हेल्दी एडल्ट है तो उसको गंभीर बीमारी होने की संभावना, कोविड होने की संभावना बहुत कम है और पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड होने की संभावना कम है। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर पहले से कोई बीमारी है या किसी बीमारी का इलाज चल रहा है तो अभी भी वायरस हमारे आसपास है और उसको संक्रमण हो सकता है और अभी भी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो हमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, हर आयु वर्ग का हर किसी का अलग अलग रिस्क है और हमें उस हिसाब से बचाव करना है। खासतौर से मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा बच्चों के बारे में। तो काफी लोग सोचते हैं कि बच्चों को तो वैक्सीन भी नहीं लगी है और उनको रिस्क है, तो यह सही नहीं है। यह अधिकतर जो सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, रेस्पिरेटरी इलनेसेज होती हैं, उनमें बच्चों को अधिक रिस्क होता है, बट फॉर्चुनेटली कोविड-19 में बच्चों को सबसे कम रिस्क है। तो बच्चों को रिस्क, गंभीर बीमारी होने का रिस्क बहुत कम है, बल्कि देखा गया है कि अधिकतर बच्चों को संक्रमण हो चुका है, उनको पता भी नहीं चला था। इसीलिए बच्चों को के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। 12 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन लग नहीं रही है और न ही फिलहाल माना जाता है कि उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। 12 से 17 साल में वैक्सीन लग रही है, उनको वैक्सीन लगवाई जा सकती है, लेकिन उनको भी रिस्क बहुत कम है। लेकिन 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को, जिनको साथ में कोई बीमारी है, उनको अभी भी रिस्क है। और एक जो रिस्क बीमारी, गंभीर बीमारी होने का है, वही रिस्क कोमॉर्बिडिटी या पोस्ट कोविड सिम्टम होने का है। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है, अपना खुद असेस करिए, खुद सोचिए कि आपको कितना रिस्क है, उस हिसाब से आप अपने बचाव के तरीकों का पालन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमें एक नॉर्मल जिंदगी भी साथ में जीते रहने हैं और लेकिन अफवाहों से बचना है। कोविड के समय में एक जो मुख्य चुनौती आई थी कि लोगों को बहुत सारी अफवाहें जो व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती थी, तो उन अफवाहों से बचना है और सिर्फ रिलायबल सोर्स से, जैसे सरकारी वेबसाइट होती हैं या सरकार के जो विज्ञापन होते हैं, वहां से मुख्य रूप से जानकारी इकट्ठी करनी है। व्हाट्सएप पर जो जानकारी आती है, किसी भी सोशल मीडिया पर जो जानकारी आती है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और आम आदमी के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि वो जानकारी सही है गलत है, इसलिए रिलायबल सोर्स से ही पढ़ें और अफवाहों से बचें। तीसरी बात है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी संक्रमण होता है, तो फिलहाल अब घबराने की जरूरत नहीं है। जो आम प्रक्रिया है, अपना अपने आप को बाकी लोगों से
बचाव अलग रखें जिससे बाकी लोगों को बीमारी नहीं फैले। अगर गंभीर बीमारी का रिस्क है तो किसी भी चिकित्सक की सलाह लें और उसके सलाह के का पालन करें। चौथी चीज है कि जो मैं फिर से दोहराऊंगा कि जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर या अन्य कोई पुरानी बीमारी है पता चल चुका है आपको, तो आप उसका इलाज कराइए। आपको बीमारी के इलाज से आप स्वस्थ रहेंगे, साथ में गंभीर बीमारी होने का संभावना कम हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आती है कोविड 19 के समय में कि हम समझें इम्यूनिटी या हमारा शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है उसको मजबूत रखना है। बात बिल्कुल सही है और उसको मजबूत रखना इतना मुश्किल नहीं है। उसको हमारा इम्यून सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक कुछ साधारण सी चीजें करनी है। एक तो है कि हमें ये बात बिल्कुल आसान सी लगेगी सुनने में, लेकिन ये बात बिल्कुल पूरी तरह सच है कि हमें नियमित रूप समय पर और कम से कम 8 घंटे दिन में सोना है। सोने से शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, शरीर को रेस्ट मिलता है, उससे उसको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हम बीमारियों से बचते हैं। दूसरा, सक्रिय रहें या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। वैज्ञानिक रूप से इसको स्टडी किया गया है और माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन करीब 30 मिनट और सप्ताह में 5 दिन ऐसा करे, अर्थात पूरे एक सप्ताह में करीब 150 मिनट, 2.5 घंटे के बराबर फिजिकल एक्टिविटी कुल मिलाकर एक दिन में 30 मिनट 5 दिन करें, तो व्यक्ति का फिजिकली एक्टिव रहने से भी इम्यून सिस्टम ठीक होता है और कई बीमारियों से आप बच सकते हैं जिनमें ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन। तीसरी चीज है कि तंबाकू या अन्य तरह के उत्पादों का उनको न खाएं। अच्छा और पौष्टिक भोजन और समय पर भोजन भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जो चीज हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है वो हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है, तो इन बातों का पालन करना है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ कि कोविड से पहले हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते थे, अब हम समझ गए हैं, कोविड के समय में समझ में आया है कि मानसिक स्वास्थ्य भी कितना महत्वपूर्ण है। अब से पहले मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। लोगों को भारत में सर्वे हुए हैं और देखा गया है कि हर 8 में से 1 व्यक्ति को हल्की फुल्की ही सही मानसिक बीमारी है और करीब 100 में से 2 व्यक्ति को गंभीर मानसिक बीमारी है जिसको इलाज की जरूरत है। कोविड के समय में इन मानसिक बीमारियों पर और मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान गया है और हमें से बना के रखना है। अगर हम और मैं मानसिक स्वास्थ्य की बात इम्यूनिटी के संदर्भ में भी करूंगा, क्योंकि अगर हम मेंटली हेल्दी हैं या हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। अगर स्ट्रेस लेता है, चिंता करता है, तनाव रहता है तो इम्यूनिटी भी कमजोर होती है और उससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इसलिए हमें मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को मिलाकर देखना होगा। मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो ही शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रह सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो अब हमें करना है कि अगर इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंता, चाहे वो तनाव हो, स्ट्रेस हो या कोई भी अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या की पहचान हुई है, तो आप जैसे कि अगर हमें हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप होता है, बीपी की बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि मुझे बीपी की बीमारी है या मेरे ब्लड प्रेशर की आपको पता है, तो जिस तरह से उसका इलाज कराते हैं उसी तरह से जब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाकर मानसिक स्वास्थ्य समस्या को बताइए और उसके इलाज कराइए। चाहे शारीरिक समस्या हो या मानसिक समस्या हो, दोनों ही इलाज से ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि हम समय रहते और समय पर वो इलाज कराएं। अब मैं अपनी बात को इस कोविड 19 के संदर्भ में समराइज करते हुए कहूंगा कि संक्षेप में रखते हुए कहूंगा कि कोविड 19 पिछले 2.5 साल से, करीब 31 महीने से, दिसंबर 2019 से लेकर अब तक एक बड़ी चुनौती रहा हुआ है, लेकिन एक मुख्य समस्या लगभग पीछे जा चुकी है। भारत में अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 3 राष्ट्रीय लहरें आ चुकी हैं और अभी फिलहाल जो ओमिक्रॉन के चलते संक्रमण हुआ था उसके आधार पर माना जा रहा है कि अब संक्रमण उसी रफ्तार से या संक्रमण होता रहेगा, लेकिन अब गंभीर बीमारी होने की संभावना कोविड 19 की काफी कम हो चुकी है। भारत में अभी फिलहाल केसेज की संख्या कम है, लेकिन हमें बचाव करते रहना होगा। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और अगर अपने आप स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे
तो ये बड़ी चिंता नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में जरूर कोविड के केसेज आ रहे हैं, भारत में भी कुछ कोविड के केसेज आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब कोविड उस कगार पर पहुंच रहा है कि आने वाले समय में हमें कोविड के केसेज होते रहेंगे, कोविड का संक्रमण होता रहेगा, लेकिन वो गंभीर बीमारी का रूप नहीं लेगा। और इस तरह से हमें इस बीमारी के साथ रहना या बीमारी के साथ कैसे संक्रमण के साथ या सार्स कोवी टू वायरस जो कोविड को करता है उसके साथ कैसे जिए उसको हम एक काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, और उसको कोविड बीमारी के साथ लड़ने का बेहतर तरीका है कि हम बाकी स्वास्थ्य समस्याओं का भी ख्याल रखें। अंत में कोविड के जो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड सिम्टम्स हैं, आप में से अधिकतर लोगों को अगर कोई भी ऐसा, आप में से किसी को भी अगर कोई ऐसा सिम्टम है तो उससे संबंधित डॉक्टर के पास चिकित्सक सलाह लीजिए, मेडिकल इंटरवेंशन के साथ, डॉक्टर की सलाह के साथ जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो लंबे समय तक यह समस्या नहीं रहती। लेकिन अगर आप नहीं इलाज कराते हैं तो हो सकता है यह समस्या और बढ़ जाए, तो बेहतर है कि आप अपना नज़दीकी अस्पताल में या चिकित्सक के पास जाकर सलाह लें और समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। नवनीत जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, एंड इट वाज रियली रियली अमेजिंग सेशन। मेरे ख्याल से पिछले इतने दिनों से हम लगातार जो है कोविड को लेकर इतनी सारी चीजें सुनते आ रहे थे, एंड फाइनली जब आपके आखिरी शब्दों में कहीं ये सुनने का मौका मिला कि कोविड अब उस तरह से उतना घातक नहीं रहेगा जितना कि इनिशियली हुआ करता था, तो हमें इस बीमारी के साथ ही लड़ते हुए इस लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो कैसे वो किया जा सकता है उस पर हम खुद भी अमल करें, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बात करी कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो हैं उसको किस तरह से देखें, इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से परामर्श करें। लेकिन इसके बावजूद कुछ जो बेसिक चीज़ मैंने इन क्वेश्चंस के दौरान पढ़ी है, एंड आई थॉट आई शुड आस्क यू अबाउट दैट। मैं एक एक करके क्वेश्चंस पूछता हूँ, अगर आप उसको आंसर कर पाएंगे सर तो मेरे ख्याल से थोड़ी चीज़ें और ज़रूर क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यस सर। सो जैसे कि बहुत सारे लोग अमूमन इस बारे में जानना चाहते हैं कि लंग्स से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर आफ्टर कोविड अगर लंग्स को मजबूत करने की बात की जाए तो व्हाट ऑल दोज आर एक्सरसाइजेस जिसको मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टाइम में इंसान को करना चाहिए सो दैट उनके लंग्स मजबूत रहे। हम काफी बार ये सोचते हैं कि लंग्स इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में सुनते हैं, लंग्स को मजबूत कर दिया जाए, तो यह कुछ हद तक ये बातें मिथ की तरह है। जो हमें एक बैलेंस चीजें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सेसिव कुछ नहीं होता। जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स की हम बात काफी बार सुनते हैं, बूस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, हमें एक बैलेंस इम्यूनिटी चाहिए जो रोगों से लड़ सके। उसी तरह से लंग्स को मजबूत करना एक तरह से आम भाषा में बोला जाता है, मैं जानता हूँ ऐसा कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह है कि लंग्स के को एक हम हेल्दी लंग्स को रखें। कैसे हेल्दी लंग्स को रखेंगे, तो मैंने जो बातें कही कि अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ब्रिस्क वॉक जिसको बोलते हैं, कि अगर हर दिन 30 मिनट जो नॉर्मल चलने से तेज रफ्तार से, और उसका तरीका होता है कि ब्रिस्क वॉक जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि अगर आप इतनी तेजी से चलिए कि आप बात कर कह सकें लेकिन आपका सांस नहीं फूले, मतलब बात आप कह पाए, ऐसे नहीं कि हांफने नहीं लगे, तो उस रफ्तार से ब्रिस्क वॉक करें, तो 30 मिनट के लिए चलना है। तो लोग क्या कहते हैं, काफी सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं घूमने तो जाता हूँ लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। दरअसल वो घूमने इतने स्लो रफ्तार से जो नॉर्मल पेस से चल रहे हैं उस रफ्तार से जाते हैं, आपको उस नॉर्मल पेस से नहीं जाना है, थोड़ा सा तेज चलना है, दौड़ने से कम और करने से अधिक, कि आपकी सांस नहीं फूले, और उसको ब्रिस्क वॉक है। एक तो बात वो भी, दूसरी चीज है कि ज्यादातर लोगों को जो सांस की संबंधित समस्याएं होती हैं उनमें से लोग कहते हैं कि उनको सांस से संबंधित समस्या है, लेकिन वो या तो स्मोकर्स होते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं या कुछ होता है, तो सबसे जरूरी है कि आप स्मोकिंग का बंद कर दीजिए तो आपसे लंग्स का स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। तीसरी चीज है कि अगर लंबे समय तक, सामने भी स्क्रीन पर भी कुछ सवाल आ रहे हैं, अगर आपको कुछ सांस संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो आप किसी चिकित्सक की सलाह लीजिए, क्योंकि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं जो इनका पहले टेस्ट किया जाएगा, स्पायरोमेट्री के माध्यम से उसको बोलते हैं, तो उसके बाद जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट हैं वो आपको कुछ इक्विपमेंट दे सकते हैं
ब्रीदिंग एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हैं जिसके बाद आपकी लंग्स की कैपेसिटी एक्सपेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि जैसे क्या होता है कि अगर आप कोई स्मोकर्स होते हैं, अगर कोई सिगरेट या बीड़ी पीता है या कोई पास में बीमारी हुई है, तो उसके लंग्स के कुछ एरिया में और कोविड की वजह से भी कुछ एरिया एक तरह से कह सकते हैं कि डेड हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है। तो उनको लंग्स को, जैसे हम सांस लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं तो लंग्स में हवा जाके एक्सपेंड करते हैं, लेकिन वो एक्सपेंशन की कैपेसिटी लंग की कम हो जाती है फाइब्रोसिस की वजह से। अब उसको पूरी तरह से लौट पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के माध्यम से उसको रिकवर किया जा सकता है। तो आप अगर समस्या लंबे समय तक बनी हुई है तो उसके लिए चिकित्सक की सलाह लीजिए। यहाँ उसी तरह खांसी भी दो तरह की होती है, एक मुख्य रूप से सूखी खांसी होती है, सूखी खांसी का कुछ अलग वजह हो सकती है और वो किसी भी कॉफ सिरप से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ खांसियों में बलगम आता है। तो अगर बलगम या कुछ अन्य उनकी समस्या है तो उसमें जरूरी होगा कि आप डॉक्टर के पास जाके इसकी जांच कराएं कि क्या समस्या है जिसकी वजह से बलगम बन रहा है, और फिर उसका इलाज किया जाएगा। संक्षेप में, एक नॉर्मल वर्क, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, फ्रेश एयर में जाकर घूमना, ब्रिस्क वर्क से आपका लंग्स की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। स्मोकिंग को बंद करने से आपकी लंग्स की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। जो अंडरलाइन इलनेस है उसके लिए डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है और सुधार होगा। राइट 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 सर, एक क्वेश्चन शालिनी शर्मा जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मुझे कोविड के 11 महीने के बाद जो है एयर स्ट्रोक आया, जिसके चलते उनके एक कान की सुनने की क्षमता जो है कम हुई, इसके साथ साथ उनको थायराइड का प्रॉब्लम भी है, तो व्हाट इज द सजेशन फॉर। तो जैसा कि वो कह रही हैं कि करीब 11 महीने बाद ईयर स्ट्रोक आया, वैसे स्ट्रोक वर्ड इतना कॉमनली यूज नहीं होता ईयर के लिए, लेकिन जो अगर उनकी सुनने की क्षमता चली गई है तो यह दर्शाता है कि उनको जो नर्व हैं, जो हियरिंग के लिए, सुनने के लिए जो नर्व एंडिंग्स होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। मुझे कहना मुश्किल है क्योंकि इस तरह के सिर्फ जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, जो डिटेल दिए हैं उसके आधार पर, लेकिन यूजुअली जो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड सिम्टम होते हैं वो इतने लंबे अंतराल के बाद नहीं आते हैं। यूजुअली वो विद इन 4 वीक्स आ जाते हैं और उसके बाद 2-3 महीने में निश्चित रूप से आ जाते हैं। तो यह हो सकता है कि कोविड की वजह से नहीं हुआ हो, 11 महीने एक लंबा अंतराल है, किसी और वजह से हुआ हो। दूसरी चीज होती है कि जैसे कि वो थायराइड की समस्या भी बता रही है, तो थायराइड का अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन है कि थायराइड की वजह से शरीर, अगर थायराइड डिस्फंक्शन है, हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म, तो शरीर के अलग अलग अंग प्रभावित हो सकते हैं और सुनने की क्षमता थायराइड का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी प्रभावित हो सकती है। तो आप थायराइड का जिससे भी इलाज चल रहा है वो मुझे नहीं ज्ञात है कि हाइपर या हाइपो, तो दो तरह का थायराइड होता है, कौन सा इनको है, तो आप उसका भी इलाज करा सकते हैं। तीसरी चीज, और जो काफी कम लोग जानते हैं, कि सुनने की क्षमता काफी बार जो डायबिटीज या शुगर के मरीज होते हैं उनको भी हो सकती है। तो आपको अगर कंप्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट या जांच कराने की जरूरत है, एक चिकित्सक से, ENT स्पेशलिस्ट से या किसी अन्य चिकित्सक से सलाह लेने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसका इलाज किया जा सकता है। बताना मुश्किल है कि क्या कोर्स होगा यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह COVID-19 का पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड सिम्टम है। सर, एक क्वेश्चन बहुत शुरुआत में किसी ने पूछा था कि सेकेंड, लता जी का एक क्वेश्चन है कि सेकेंड कोविड के बाद जो है इनके पैरों में दर्द हमेशा बना हुआ है, तो क्या कुछ होना चाहिए इनका। चूंकि मुझे उनकी उम्र नहीं पता है तो कहना मुश्किल है, लेकिन यूजुअली भारत में देखा गया है कि एक तो कोविड का एक सिम्टम हो, कोविड की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन भारत में अधिकतर लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, खासतौर से महिलाओं में, लेकिन पुरुषों में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। कहने को तो हमारे देश में बहुत सारी धूप मिलती है और गर्मी होती है, और हम सुनते आए हैं कि अगर धूप में खड़े हो जाओ तो विटामिन डी मिलता है, लेकिन वास्तविकता है कि धूप में एक कंटिन्यूस एक्सपोजर होना चाहिए, कम से कम 8 मिनट, और वो भी पर्याप्त नहीं होता। हमारे खाने पीने में भी जरूरी तत्व और कैल्शियम होना चाहिए, तभी धूप में मिला हुआ विटामिन डी का फायदा होता है। तो अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है और उनकी उम्र अगर 45, खासतौर से महिलाओं की, जिन महिलाओं की उम्र 45 साल से अधिक होती है, तो उनमें काफी बार विटामिन डी या कैल्शियम या दोनों की कमी के वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो एक तरीका हो सकता है कि आप, चाहे कोविड की वजह से हुआ हो, किसी भी वजह से हुआ, समस्या है कि पैरों में या जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि चिकित्सक की सलाह लेकर
अच्छा होगा, विटामिन डी का लेवल जांच कराया जा सकता है, कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल की जांच कराने के बाद उस हिसाब से इलाज किया जा सकता है। यूजुअली इन चीजों में कैल्शियम टेबलेट दी जाती है, बट कैल्शियम और विटामिन डी दोनों रिच फूड भी इस्तेमाल करने की जरूरत है, खासतौर से मिल्क या अन्य प्रोडक्ट की। लेकिन पहले टेस्ट कराने के बाद उसके बाद उस आधार पर इसका इलाज कराया जा सकता है। ग्रेट सर, मेरे ख्याल से एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि आई एम श्योर इम्यूनिटी को बूस्ट करने ऐसा वर्ड या इम्यूनिटी को अच्छा करना, बेहतर करना, इसको लेकर बहुत सारी बातें हम लोगों ने इस पोस्ट कोविड या ये इस दौरान ही, पैंडमिक के दौरान ही सुने कि इम्यूनिटी को अच्छा रखना कितना इम्पोर्टेंट है। इसी दौरान लोगों को समझ में आया कि भाई अच्छा खान पान बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम ये समझ गए हैं कि एक दिन में आप अच्छे खान पान या सिर्फ एक दिन अच्छा खा के या महीने में एक बार अच्छा खा के अपन अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट ऑल दोज आर गुड गुड वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स जिनको अगर हम लोग रेगुलर डाइट में एड इन करें तो एक अच्छा स्वास्थ्य पाया जा सकता है? सो एक बैलेंस डाइट में हमारे बहुत कलरफुल होनी चाहिए, मतलब एक कहना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम हर आदमी के लिए संभव नहीं है, लेकिन वास्तव में एक बैलेंस डाइट खाना हर किसी के लिए संभव है और ये लो कॉस्ट पर भी हो सकती है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास तो फल और सब्जियों का एक्सेस होता है, लेकिन चुनौती होती है कि अधिकतर वो शहरों में बिकने के लिए चली जाती हैं और नहीं मिलती हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो बैलेंस डाइट है जिसमें मल्टीपल कलर होने चाहिए, चाहे वो हरी पत्तेदार सब्जियां हों, उसके अलावा टमाटर और अन्य सब्जियां, जितने भी सब्जियां लोकली उपलब्ध सब्जियां हैं, अगर हमारे पास वैरायटी होगी तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमें ध्यान देना होगा कि जो आयरन रिच सब्जियां हैं जैसे कि पालक हो गया, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा मूंगफली या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लोकल संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, मैं एक जेनरिक बात नहीं करना चाहता जो सभी के लिए लागू हो और काफ़ी हर आय इनकम ग्रुप के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है। मुख्य रूप से हमें ध्यान देना है कि हमें हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट जैसे जो गेहूँ चावल वो हों, प्रोटीन हो जिसमें मिल्क के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, अन्य जो लोकली मिल्क से काफ़ी सारा प्रोटीन भारत में मिलता है और दालों में बहुत सारा प्रोटीन होता है भारत में मिलता है, और फैट जो ऑयल होता है रिफाइंड ऑयल की जगह बल्कि एक सरसों का तेल या मिक्स ऑयल, डिफरेंट टाइप के ऑयल इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो भारत में काफ़ी मिलते हैं। तो फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का ब्लेंड होना चाहिए, साथ में सब्जियों की या फलों की जो लोकली उपलब्ध फल हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोशिश रहनी चाहिए कि हम उनको ऐड कर सकें, और खासतौर से वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए। वैसे तो कहा जाता है कि जो हमारा खाना है 3 दिन में, अगर ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को डिनर होना चाहिए, लेकिन साथ में बीच में अगर हम उनको फल हर दिन में 11 बजे के करीब और शाम को 4 बजे के करीब फल या लाइट स्नैक्स हों, तो 5 बार और 5 डिफरेंट तरीके के आइटम्स हों हमारे, हम सोचिए कि आपके खाने में 5 डिफरेंट तरीके के आइटम दिन में किसी भी समय हो जाएं और दिन में 5 बार अगर खाया जा सके तो उसको एक बैलेंस डाइट बन सकता है, एक लोकल लेवल पर उपलब्ध चीजों को इस्तेमाल करके, फलों का बैलेंस, सब्जियों का बैलेंस और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। आज का यह सेशन आई एम श्योर हम सभी लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल और बहुत लाभदायक रहा। जाने से पहले मैं सम अप करना चाहूंगा कि जो सर ने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सर ने एक बात कही थी कि व्हाट्सएप पर जो चीज़ें आती हैं उसको ज़्यादा फॉलो ना करें, बजाय कि अगर आप किसी तरह से ऐसा लगता है कि इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल और समथिंग कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर का परामर्श तुरंत जाकर लें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ सकारात्मक सोचें, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, खुश रहें, ये मेरे ख्याल से बेसिक पूंजी है हमारी। लॉकडाउन के दौरान या पैंडमिक के दौरान वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हुए जो यहाँ से कमज़ोर थे, जो यहाँ से मजबूत थे वो जल्दी ठीक भी हो गए। सकारात्मक सोचें, खुश रहें, आई एम श्योर ये सारी चीजें जो है सारी बीमारियों को लड़ने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। थैंक यू वेरी मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और भास्कर परिवार समूह के सभी लोगों के साथ अपनी ये जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर।